2014 में नरेंद्र मोदी को चाय ने प्रधानमंत्री बनाया। 2019 के चुनाव के ठीक पहले कांग्रेस चाय के मुद्दे को लेकर एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतर आई है। यही वजह है कि तुरंत इस मुद्दे को लपकते हुए बीजेपी और खासतौर से प्रधानमंत्री मोदी की ओर से आज तो बाकायदा चुनावी रैली में एक तरफ कांग्रेस पर हमला किया गया और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ने कहा कि इस चाय वाले ने ही गरीबों को आगे बढ़ने के लिए संकल्प लिया है और इसी वजह से कई जनहितैषी काम इस सरकार की ओर से किए जा रहे हैं। अब सवाल यह है कि बार बार चाय का जो हवाला कांग्रेस दे रही है, कहीं ऐसा ना हो कि 2019 के ठीक पहले ही उसकी जो चाय है वो फीकी पड़ जाए नरेंद्र मोदी के इन बयानों से। ये रिपोर्ट देखिए। कहते हैं कि फलाने फलाने महापुरुष से, इसके कारण पंडित नेहरू के कारण ये मोदी चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया। अभी भी आंसू बहाते रहते हैं। चाय वाला बैठ गया, कैसे बैठ गया? उनके दिमाग में बैठता ही नहीं है कि गरीब मां का बेटा उनको अंग्रेजों ने जो विरासत में दी थी उस राजगद्दी पर बैठ कैसे गया। देश की राजनीति के मैदान में एक बार फिर से चाय की एंट्री हो गई। आज छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे पीएम मोदी ने खुद को चाय वाला बताकर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया और साथ ही नेहरू का जिक्र करके कांग्रेस को चुनौती दे डाली। कम से कम 5 साल के लिए आपके परिवार के बाहर का कोई अच्छे कांग्रेसी को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बना दो, मैं मान लूंगा। अरे मैं मान लूंगा कि नेहरू जी ने ऐसी लोकतांत्रिक परंपराएं पैदा की थी कि जिसके कारण कोई समर्पित कांग्रेसी कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बन पाया। पीएम मोदी के नेहरू और चाय को कांग्रेस के खिलाफ चुनावी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की वजह कांग्रेस सांसद शशि थरूर का 3 दिन पहले दिया गया बयान। इफ टुडे वी हैव अ चायवाला एज प्राइम मिनिस्टर, इट्स बिकॉज नेहरू जी मेड इट पॉसिबल टू क्रिएट द इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स through which any Indian can aspire to and rise to the highest office in the land. 2019 के पहले चुनावी रण में उतरे पीएम मोदी कांग्रेस के इस बयान के सहारे 2014 जैसे राजनीतिक हालात बनाने में जुटे हैं। तब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने मोदी को चाय बेचने की सलाह दी थी। तब अय्यर के इस बयान को पीएम मोदी ने अपने चुनावी तर्कश में शामिल कर कांग्रेस पर जमकर वार किए थे। मैं आपको वायदा करता हूँ कि इस 21वीं सदी में नरेंद्र मोदी कभी भी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। लेकिन यहाँ आकर चाय का वितरण करना चाहते हैं तो हम उनके लिए कुछ जगह बना रखते हैं। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं मोदी तो संघर्ष करो, ये राहुल जी हार जाएंगे तो वो तो विपक्ष में भी बैठेंगे, लेकिन मोदी हार जाएगा तो कहाँ जाएगा? मेरे कांग्रेस के नेता, चिंता मत करो, मेरी चाय बनाने की किटली का सामान तैयार। 2014 में अय्यर का ये बयान कांग्रेस के पैर में कुल्हाड़ी मारने वाला साबित हुआ था। 11 दिसंबर सबसे तेज नतीजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। कांग्रेस के नेताओं को हमेशा महंगी पड़ जाती है, बावजूद इसके समझ में नहीं आता कि कांग्रेस के नेता बार बार चाय का हवाला लेकर लोगों के बीच क्यों चले जाते हैं। फिलहाल आपको बताते चलें कि एक तरफ मोदी ने छत्तीसगढ़ में रैली की, चाय वाले को लेकर अपना बड़ा बयान दिया, तो वहीं दूसरी तरफ इसके जवाब में दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की ओर से की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस, और इस बारे में हमारे संवाददाता अंकित गुप्ता ने कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा से बातचीत की है। चाय वाले का मुद्दा एक बार उन्होंने फिर से उठाया है कि यहाँ पर एक चाय वाले ने 5 साल में क्या किया और एक ऐसी पार्टी जिसकी 4 पीढ़ियां जो है देश चलाती रही हैं, उन्होंने क्या किया, ये भी सबके सामने है। इसका प्रश्न का उत्तर तो उन्होंने अपने प्रश्न में ही दे दिया कि अगर कांग्रेस को इतना मौका दिया गया वोटर द्वारा तो जरूर कुछ किया होगा, तभी तो दिया होगा। आपको एक मौका मिला और उसमें आप इतने अहंकारी हो गए कि देखिए, एक दादाजी ने मकान बनाया, पिताजी ने उसमें एक और बना दी बिल्डिंग, पोता यूं करके खड़ा हो जाए और कहे मेरे दादाजी ने कुछ नहीं किया। IIT कितने बने, IIM कितने बने, DRDO किसने बनाया, एम्स किसने बनाए, भाखड़ा नंगल किसने बनाया, अमूल डेयरी कौन लाया, लिस्ट और लंबी है, इनका पता आप मुझे बता दीजिए कहाँ है, आजकल भिजवा देते हैं। ये है ABP न्यूज़, आपको रखे आगे।